हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यूएस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बिटवाइज और ऑपरेटर को। बिटवाइज और ऑपरेटर काम क्या करता है, आप जानते हैं सी लैंग्वेज में और भी कुछ दूसरी लैंग्वेज के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर बहुत हेल्पफुल करता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, हमने अभी पहले डिस्कस कर रखा था बिटवाइज एंड ऑपरेटर, आज हम लोग जो देखने वाले वो कौन सा, बिटवाइज और ऑपरेटर। तो बिटवाइज और ऑपरेटर काम क्या करता है, देखिए फ्रेंड्स, आप क्योंकि आप जानते हैं बिटवाइज बिट के ऊपर काम करने के लिए है ये। तो ये क्या करता है, जब आपके पास दो नंबर्स जिसको आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई भी आपके पास वन होगा तो फाइनल रिजल्ट ये वन बनाएगा, और दोनों में से अगर दोनों की दोनों ही जीरो होगी तो ही ये जीरो बनाने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं, इसको हम लोग एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, प्रोग्राम बना के समझते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं यूज करने वाला हूँ बिटवाइज और ऑपरेटर। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने लिख रखा है कि टेक टू नंबर्स, दो नंबर लेगा आपके पास एज ऑपरेंड्स एंड डज ऑर ऑन एवरी बिट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑफ ऑर इज वन, कब होगा वन, एनी ऑफ द टू बिट्स इज वन, दोनों में से कोई भी अगर आपके पास एक वन होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास वन आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ, लिख देता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, मैंने हेड फाइल को इंक्लूड कर दिया, इंटीजर मेन फंक्शन भी मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और मेन फंक्शन के लास्ट में जाके लिख दूंगा रिटर्न जीरो। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वेरिएबल्स बना देता हूँ। ए के अंदर फ्रेंड्स मैं स्टोर कर लेता हूँ सपोज 10, और फ्रेंड्स बी के अंदर मैं जाके स्टोर कर लेता हूँ सपोज 5। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, सी इक्वल्स टू ए और बी। ठीक है, तो ये बिटवाइज और ऑपरेटर मैंने यूज किया फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे जो प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, क्या प्रिंट करूंगा, परसेंटेज डी ऑफ सी, सी की जो भी वैल्यू उसको मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये करेगा क्या, देखिए ए जो है उसकी बाइनरी अगर आप देखें तो क्या होती है, 1010। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप से अगर आप देखें 5 जो है इसको हम लोग देखते हैं, 5 की जो बाइनरी आपके पास वो कितनी, 0101। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या कर दिया है, दो नंबर्स की बाइनरी लिख दी। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें आउटपुट आपके पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं 10 का आंसर क्या होगा, 1 10 का आंसर होगा 1 10 का आंसर होगा 1, और इसका भी आंसर होगा 1। तो फाइनली ये जो फ्रेंड्स प्रिंट करने वाला है वो क्या करेगा, 15 प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, F11 की को प्रेस करता हूँ, प्रोग्राम मेरा कंपाइल होगा, आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आया, 15। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं इसके नंबर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, लाइक इस बार इसके नंबर को मैं कर लेता हूँ ये 7 है, और ये इसको मैं कर लेता हूँ सपोज यहाँ पे 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो 7 की बाइनरी आपके पास वो कितनी होती है, 0111, और 2 की जो बाइनरी वो आपके पास हो जाएगी 0010। तो फ्रेंड्स इसका जो आउटपुट है आपके पास वो क्या आने वाला है, बस इसको मैं जीरो कर दूंगा, क्योंकि 10 का 1, इसका भी आपके पास 1, और इसका भी आपके पास 1 आने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, एक बार सेव करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके देखूंगा, इस बार जो इसका आंसर है वो क्या आने वाला है, 7, क्योंकि ये 7 की ही बाइनरी आपके पास बन रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जो है एक आज और एक अलग टाइप के ऑपरेटर को डिस्कस किया, कौन सा, बिटवाइज और ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आगे के वीडियो में हम लोग और ऐसे अलग अलग ऑपरेटर को और अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के बात करने वाले हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।